देखो मेरे दोस्त, मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, लोग ना बिना मुंह धोए वीडियो कैसे बना लेते हैं। पर मुझे भी अभी धोना ही है, थोड़ा बाद में धोते हैं। सही है ना? तो हेलो इंडिया, सुप्रभात, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब बिहार में पहुंचे हैं, शायद आसपास ही होंगे। एंड अपनी यात्रा चल रही है श्री जगन्नाथ पुरी की पावन यात्रा 2024 की, रथ यात्रा, पावन यात्रा बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, आज हमारा सेकंड डे है ट्रेन में। नीचे भी ध्यान रखना पड़ता है, पता चले बाहर गिर गया। आज हमारा सेकंड डे है ट्रेन में, एंड ट्रेन पता कितने घंटे लेट हो चुकी है, आप ना विश्वास नहीं करोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जा यार, कहीं पे प्रूफ के साथ ही दिखाता हूँ भाई। अभी देखो, वीडियो भी एडिट कर दिया, अपलोड हो रही है। ट्रेन में नेटवर्क बड़ा कम होता है ना, बट फिर भी अंकुश भाई की वीडियो ना मतलब एक दो घंटा आगे पीछे होती है, बट टाइम पे आ ही जाती है। ये देखो भाई, अभी हम पहुँचने वाले हैं A&D आंड्रा जंक्शन, एंड 5 घंटे लेट दिखा रहा है। 5 घंटे मतलब हमारा दिखा रहा है, अरे बहुत सारे स्टेशन है। मतलब इसका टाइम था 1 बजे, अभी दिखा रहा है 7 बजे पहुंचेगी शाम को। ठीक है मेरे दोस्त, अपना मस्त वाला सफ़र चल रहा है, एसी वाला डिब्बा है, कोई टेंशन तो है ही नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का दिन शुरू करते हैं। लेकिन कान्हा जी का नाम, जाओ कान्हा जी की। सफ़र बेशक हमारा ट्रेन से शुरू हो रहा है, बट ख़त्म होगा श्री जगन्नाथ पुरी जाके, वो सारा आपको इसी ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। एंड सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, राम राम जी। अच्छा वो मेरे छोटे छोटे दोस्त, हेलो दोस्त, बाय बाय। नाश्ता कीजिए, चाय कॉफी पीजिए। तो मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी ना हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल में। मतलब बड़ी जल्दी ना स्टेट चेंज हो रही है, पहले कुछ टाइम पहले थे हम झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर हम उड़ीसा में इंटर हो जाएंगे। चलो भाई, ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है, 8 बज चुके हैं सुबह के। एंड कितनी मस्त वाली बारिश हो रही है ना वेस्ट बंगाल में, बस ऐसी वाली बारिश ना होती रहनी चाहिए, फिर मौसम ना सही रहता है। ओ भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। बस यार, कल से जब से मैं इस ट्रेन में आया हूँ ना, मैं ब्रश, कोलगेट, अपनी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं भी नहीं मिल रही। फिर ना मेरे को अपने दोस्त की यूज़ करनी पड़ रही है। कोलगेट ब्रश तो चलो अपने पास है ही है, बस मेरे को ना साबुन मिल जाए। कल से मुँह भी नहीं धोया भाई, एंड कितनी मस्त बारिश हो रही है ना। ओ भाई, वही क्या हो गया, एकदम से निकल गई भाई ट्रेन। भाई इस ट्रेन का जो ब्रेक सिस्टम है ना, बड़ा बेकार सा है। जब ब्रेक मारते हैं ना, मतलब अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं ना, पैर हिलते हैं सारे। फिर मैंने पूछा, भाई जी ने बताया, जो अंदर कैटरिंग वाले हैं ना, उन्होंने बोला इस ट्रेन में ना शॉकर सिस्टम बढ़िया नहीं है। चलो ठीक है भाई, मतलब जब भी ब्रेक लगती है ना, एकदम से हिलती है। जैसे अभी चली, दिखा आपने, मतलब ऐसा लगा एकदम से भाग गई, बट वो ना झटका था एक तगड़ा वाला। ठीक है भाई, शुद्ध बारिश हो रही है सवेरे सवेरे। लो भाई, बन गया अपना प्राइवेट रूम। अभी दिक्कत बता क्या आ रही है भाजी? कॉफी है, कॉफी है, कॉफी दे दो भैया। तो मेरे दोस्त, अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी ना प्राइवेट कैबन की तरह इसे बना दिया है। और जो इस सीट के क्या बोलते हैं, हकदार थे ना, मतलब अरे क्या बोल रहा हूँ, जो कितना देना है? दो पिएगा भाई, पिएगा तू? हाँ। दो कॉफ़ी दे दो भैया, चलो बाद में बताता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ पहले। अच्छा नहीं आए। तो मेरे दोस्त, जो इस सीट पे थे ना, वो चले गए हैं भाई। अभी पूरी सीट ना हमें मिल चुकी है, एंड पूरा हमने ना कैबन टाइप बना दिया है। अभी दिक्कत पता क्या हो रही है, मेरे पास ना साबुन नहीं है। और इस ट्रेन में ना जो फर्स्ट एसी होता है ना, उसमें ना नहाने के लिए शॉवर लगा होता है, पर वहाँ तक कैसे जाएँ, बड़ी दूर लगा हुआ है वो। एंड दूसरा ना साबुन भी नहीं है, कोलगेट भी नहीं है, इवन कि दोनों भाई ना एक ही कोलगेट यूज़ कर रहे हैं। एंड कोलगेट से पता है कैसे निकाल रहे हैं कोलगेट, अभी ये देखो स्ट्रगल भाई। मतलब साबुन ऐसे पिचकू पिचकू करके ना ऐसे साइड पर निकाल रहे हैं, एंड शाम तक ले लेंगे। मतलब कहीं पे मिल ही नहीं रहा आसपास। चलो भाई, अच्छी तरह कैबिन फिट कर दिया हमने ये वाला, कितना मस्त लग रहा है ना। अभी अभी कोई नहीं आएगा, पूरी तक मज़े से जाएंगे हम बैठ के। बस अभी ब्रश करके खाने का इंतज़ाम करवाता हूँ मैं बैग यही ले आया। हाँ, टीटी पकड़ेगा ना तो ये 2000 रुपया फाइन होगा भाई। लो भाई, गर्मा गर्म ओके, गर्मा गर्म कॉफ़ी आ चुकी है। कैश क्रेडिट कार्ड से या नहीं सर? कैश, गूगल पे cash, कल cash. भाई गूगल पे लिया था, ले तो लिया था, देख लीजिए अगर आप होता है अभी तो। ओके
मेरे दोस्त अपना खूबसूरत सा सफर तो चल रहा है, कभी अंदर बैठ रहे हैं, कभी बाहर बैठ रहे हैं, मेरी सीट ऊपर है, कभी मैं ऊपर बैठ रहा हूँ। और भाई अभी ना मतलब क्या लगता है आपको, शाम तक ही पहुंच पाएगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे या नहीं? ऑलरेडी ना 7 घंटे लेट चल रही है, 2 बजे पहुंचाना था इसने, चलो भाई चलना शुरू होगी, 2 बजे पहुंचाना था, अभी बोल रही है कि शाम को ना 7 या 8 बजे पहुंचाने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है। और आपको पता ना अंदर लगा है ठंडा वाला एसी, जब भी बाहर आते हैं ना, यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रही है ना, ओ भाई एक सेकंड, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई अगर बाहर गिर गया तो। अभी जैसे एसी से बाहर निकल के आते हैं ना, गर्म हवा के ना झोंके लगना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। अभी यहाँ पे ना दान भी नहीं लगा है, हमारे उधर दान लग रहा है ना इस टाइम, यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे अभी पनीरी दी हुई है, जो लगाते हैं ना पौधे, पहले एक जगह पनीरी दी जाती है, फिर वहाँ से निकाल के आगे पीछे शिफ्ट करते हैं, वो अभी दी जा रही है। एंड कुछ ऐसा नज़ारा है, कौन सा स्टेशन है भाई ये? जो स्टेशन है जी गोकुलपुर पहुँचे हैं, पता नहीं छोटे मोटे स्टेशन पे भी रुक जाती है भाई ये। खाने वाले भैया को ऑर्डर दिया है, वो आया नहीं अभी तक, टाइम कितना हुआ है देखो, टाइम भी यहाँ पे आसपास दिख जाता है, कितना हुआ है टाइम, 10:11 बज गया ऑलमोस्ट। मेरे दोस्त अभी ना मेरे को एक बड़ी यूनिक सी बात पता चली, यहाँ पे हम जा रहे हैं ना श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा में, पहली रथ यात्रा निकलती है वो निकलती है बालभद्र जो उनके बड़े भाई हैं, दूसरी निकलती है सुभद्रा जो उनकी श्री कृष्ण भगवान जी की बहन है, तीसरे नंबर पे आते हैं श्री कृष्ण भगवान जी। और आपको पता है श्री कृष्ण भगवान जी ना बड़े नटखट हैं, एंड वहाँ पे ना वो मतलब जो पहले 2 रथ निकलते हैं ना उनकी भाई और बहनों के, वो ना ऐसे निकल जाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान जी का रथ है ना वो चलता ही नहीं है बोलते, उसे ना लोकल इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ पता नहीं अभी मेरे को सुनने को मिला, और फिर मैंने सर्च करा YouTube में भी यही बताया हुआ है, शायद अगर कोई वहाँ से देख रहा हो ना फिर वो कमेंट सेक्शन में बता देना, वैसे मुझे वहाँ पे जाने के बाद पता चल ही जाएगा, मतलब बड़ी गालियाँ दी जाती है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ना नटखट है, थोड़ा चलते हैं 5 कदम और फिर रुक जाते हैं, फिर उन्हें गालियाँ दी जाती है, मतलब आप सोचो कि एक रथ है उसे खींचने वाले वहाँ पे कितने लोग होते हैं, 10 लाख लोग आए होते हैं, 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग, मतलब बड़ी लंबी रस्सी होती है, उसे हर एक बंदा खींचना चाहता है, मतलब जो मेरे जैसा वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ना, मेन सभी का उद्देश्य रहता है कि वो रस्सी को टच कर सकें, खींच सकें। तो सोचो मान के चलो कि एक टाइम पे उसे ना 10-20 हज़ार लोग खींच रहे होंगे एक छोटा सा रथ को, वो रथ खींचा नहीं जाता, इतना पावरफुल हो जाता है, फिर आप मानते हो ना भक्ति की शक्ति, तभी भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पे गालियाँ दी जाती है, ये भगवान मतलब अपनी भाषा में देते होंगे, उड़िया भाषा में, कि चल क्यों नहीं रहा, जो भी गालियाँ होती है, एनीवे वही जाके पता चलेगा। ये कुछ चीज़ें ना हमारी वहाँ इस यात्रा को ना बड़ा एक्साइटमेंट बनाती है, मेरे लिए बड़ी क्यूरियसिटी बनी हुई है, एक्साइटमेंट बनी हुई है। एंड वहाँ पे मैंने सुना है जो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान जी को अभी तो बुखार चल रहा है शायद उनका, और जो वो यात्रा निकाली जाती है ना वो 5 किलोमीटर होती है, और वो ना तीनों भाई बहन अपनी मौसी जी को मिलने के लिए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है, और एक उनमें से एक बात ये भी है कि जो खाना वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए बनता है ना, जगन्नाथ भगवान जी के लिए, सबसे पहले जो ऊपर बर्तन होता है वो बनता है, वो सारा आपको मैं दिखाई दूंगा अगर मौका मिला तो। फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, थोड़ा लंबा हो गया बोलते बोलते, बातें बहुत ज़्यादा थी ना, वो देखो ट्रेन वहाँ पे टर्न ले रही है, एंड टर्न पे ना बड़ी स्लो हो जाती है ट्रेन, तो मेरे दोस्त टाइम हो चुका है 2:30 और मेरे में ना थोड़ी चेंजिंग नज़र आ रही होगी, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, वो पता क्या करा, अभी ना स्नान करा है भाई, आपको पता ना फर्स्ट एसी टीटी भाई साहब है पूछेगा फर्स्ट एसी में कैसा गया, वो फर्स्ट एसी में रहता है ना नहाने वाली जगह, और आपको पता है हमारी ट्रेन ना बार बार रुकी जा रही है, उसी का पूरा फ़ायदा लिया और चला गया फर्स्ट एसी में, मस्त नहा के आ चुका हूँ, ये बाल इसलिए बांधे मैंने गमछे से कि गीले बाल है ना, जैसे बांधूंगा वैसे सेट हो जाएंगे, मतलब बार में हीरो लगूंगा कुछ ऐसा ही है। एंड अब जाके भाई अपना खाना आया है, वही रात वाली डिश ना सेम रिपीट हो जा रही है, दिख रहा है ना मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना जय वाला खाना है, एंड यार खाना क्वालिटी तो ठीक है बट ये बहुत ज़्यादा इन्होंने रेट ना हाई कर दिया है, 180 रुपये का है ना ये, वैसे इतना रेट होता नहीं है ट्रेन में पर पता नहीं इतना क्यों ले रहे हैं ये, उस हिसाब का नहीं है, चलो ठीक है यार, एक तो लेट आ रहा है, आपको पता है ना हम ठहरे गांव से, हमारे लिए दोपहर का और सुबह का ना सेम ही होता है, पर ये दोपहर को आ रहा है बिल्कुल यार, 11-12 बजे आता ना फिर सही रहता है,
चलो ठीक है, एनीवे खा लेता हूँ, नहीं तो गर्म होना शुरू हो जाएगा। एक सब्जी चेंज है इसमें। अच्छा, सोयाबीन डाल दिया है, शायद रात को भी डाली होगी, तेरे को दिखी नहीं होगी। चल ठीक है, फटाफट खा लेते हैं। बार बार टीटी भाई साहब आ रहे हैं, और तू ना खा के निकल जा, इनको तेरे को फाइन हो जाएगा। यहाँ से ट्रेन चलती है, यहाँ तक जा रही है ना, उसी हिसाब से होगा, तो इससे कम से कम 4,000 का होगा भाई। ट्रेन के मजे तो मैं ले रहा हूँ, स्लीपर के बुक करके 700 रुपये में, और 3,000 के मजे। सत्येंद्र जी इतनी इतना स्ट्रगल हमने कहीं नहीं करा जितना इस ट्रेन में करना पड़ रहा है। आपकी बार आप ही जाऊंगी नहीं कहने भाई। तगड़ी वाली बारिश हो रही है, और 2 दिन का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं कटक। कटक नाम की जगह है, और भाई अपना बचा अभी 200 किलोमीटर। पहले आएगा भुवनेश्वर, फिर आएगा पुरी, मतलब शाम के 7-8 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। मतलब अभी ट्रेन ना अच्छी स्पीड में चल रही है, भयंकर बारिश हो रही है। क्या मजा आ रहा है बारिश में यार, पूरा फील आ रहा है अभी ना बाहर। भाई मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बोलते है ना इसे, वो बारिश चल रही है अभी। भाई बाहर तो बारिश हो रही है, ट्रेन के अंदर भी बारिश हो रही है। ये देखो, ये सारी ट्रेन ना लीक हो रही है भाई, ये दिख रहा है ना, लीक हो रही है भाई। अरे पानी पानी हो गया, दिख रहा है ना नीचे। ये कुछ भी नहीं, उधर वाली साइड ना पूरी लीक हो रही है, ऊपर वाली साइड। वाओ ये एसी ट्रेन की हालत हो चुकी है देखो। तो मेरे दोस्त बाहर हो रही है हल्कू फुल्कू बारिश, मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है, और इस बर्फ में इस बारिश में ना कुछ खाने का मन कर रहा था। ये देखो भाई, अभी हम कोई रिवर क्रॉस कर रहे हैं, गंगा जी तो नहीं है, वो तो पीछे रह गई प्रयागराज के आसपास। और भाई इस बारिश में ना कुछ खाने का मन कर रहा था, पकोड़े शोड़े, पकोड़े भी आ रहे हैं, पर हमने सोचा खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा खाते हैं। तो फिर हमने लिया जे वाला, क्या भाई, रबड़ी भाई, नहीं टेस्ट है ना। मतलब कल भी मैं 3 पैकेट खा गया, आज भी देखो 3 ऑर्डर करे हैं, 3 मैं नहीं खा गया, एक मेरा दोस्त भी खा गया। ठीक है, मेरे दोस्त खा शुरू करें। थैंक यू इतनी दूर से लेके आने के लिए, क्योंकि बंदे को बोला वो भूल गया, तो फिर भाई जी को भेजा लेने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, रबड़ी खाते हैं, क्या टेस्टी है इस वाले व्यू के साथ जो कि ब्लर दिख रहा है फिलहाल। कुछ ऐसा है भाई, मैं ना आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपका भी मन करेगा रबड़ी खाने का। ले भाई थोड़ा इमरजेंसी में खोलना पड़ा। ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, यूट्यूब के हिसाब से नहीं बता रहा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच। बाकी बातें ना बाद में करते हैं, सबसे पहले आपका श्री जगन्नाथ की पावन भूमि में बहुत सारा स्वागत है, यानी कि पुरी में। एंड पूरे 40 घंटे सफर करा है भाई, तभी आके अभी बाहर चल रहे हैं ना, माँ कसम सच्ची बोला चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ट्रेन में ही है ना भाई। तेरे साथ हो रहा है ऐसा? मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है उतरने का, मुझे लगा पहले मेरे साथ ही हो रहा है, बट भाई ने मेरे को बताया कि मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी भी हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मतलब जिससे भी देख रहे हैं ना, सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं भाई, हिल रहे हैं भाई सब लोग। 40 घंटे बहुत होते हैं, खासकर मेरे को तो ज्यादा हो चुके हैं ना, 40-10-50, क्योंकि मैं तो जम्मू से आया हूँ ना, कुछ ऐसा ही है। ठीक है भाई, अभी सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए ये होने वाला है कि कोई भी धर्मशाला ना अभी खाली नहीं है। मतलब हमने ना YouTube में देखे ना, कितनी सारी धर्मशाला के नंबर भी दे, सभी को कॉल करा, बट कोई भी अवेलेबल ही नहीं है। तो पता नहीं कहाँ पे हमारी रात होगी, अभी कुछ नहीं पता माँ कसम। कोई होटल onlinebooking.com वाले इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं ना, जो 1,000 का था ना वो 3,000 का हो चुका है। मतलब अभी समझ नहीं आ रही कहाँ पे रुकना है, बट आई थिंक कि श्री जगन्नाथ भगवान जी ने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था करी होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो पहले स्टेशन से बाहर निकलते हैं। चलो मेरे दोस्त, भाई हमारे डिब्बे में ना कोई भी नहीं था, मुझे लग रहा था हमारी ट्रेन ना बिल्कुल खाली है, पर लोग ना ख़त्म ही नहीं हो रहे चल चल के, बहुत सारी दुनिया आई है, 10 लाख दुनिया बहुत सारी होती है, वो सारा आपको 7 तारीख को दिखी जानी है। सॉरी, सारे थके हुए हैं ना, इस टाइम गुस्सा भी निकल सकता है किसी के ऊपर।
मतलब समझ रहे हो ना, सारे इस टाइम थके हुए हैं, ऐसा ना हो कि हमारा सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकल जाए। भाई देख के चल दो, ठीक है? चलो मेरे दोस्त बाहर चलते हैं वाले स्टेशन से। दोस्त बहुत सामने दिख रहे हैं ना, वहीं पे विराजमान है हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु जी। एंड भाई यहाँ पे इतनी सारी दुनिया रखी है ना इस टाइम, मतलब कोई भी होटल ना खाली नहीं है। जो भी छोटा मोटा होटल है ना उसके बाहर तगड़ी वाली लाइन लगी है। वो मैंने पीछे वाली साइड देखी, मतलब होटल के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। एंड भाई इस बार ना मतलब परसों यहाँ पे 20 लाख लोग आने की आशंका है भाई, 20 लाख। और हर जगह ना आपको फोर्स दिख रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे स्टेट की, उड़ीसा स्टेट की ना पूरी फोर्स यहाँ पे लगाई हुई है, इतनी ज़्यादा फोर्स है भाई। और हर जगह ना आपको श्रद्धालु दिख रहे होंगे इस टाइम। अभी ना हमने एक होटल पे पता करा, बोल रहे हैं कि जिसमें ना टॉयलेट वॉशरूम है, नहाने के लिए सारी व्यवस्था है, वो ना 15,000 में मिलेगा। और जिसमें विदाउट टॉयलेट वॉशरूम है ना, जो मतलब कॉमन है सारे यूज़ करेंगे, उसमें भाई 6,000 रुपया है प्रति एक रात्रि का भाई। इतना ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है यहाँ पे। एंड सोचो जब यहाँ पे परसों ना 20 लाख लोग आएंगे, कैसी दशा होगी यहाँ पे, मतलब सड़कें पूरी भरी होगी, क्या नज़ारा होगा ना, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं वो। चलो आप ना जुड़े रहना ब्लॉग में, फिर आपको मज़ा आएगा, परसों देखने को मिलेगा वो वाला सीन, ठीक है मेरे दोस्त? अभी हम कोई धर्मशाला ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए रहने की जगह, ठीक है? चलो भाई। एंड बहुत सामने भगवान जी है, सुबह जाएंगे नहा के दर्शन करने के लिए। बहुत सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, सही है ना? चलो भाई अभी ना मैं आपको सुबह मिलूंगा, फिलहाल हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं रुकने के लिए, बाकी जो भी होगा वो सुबह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा, सही है ना? जय हो श्री जगन्नाथ भगवान जी की।